Hey guys, welcome back to my channel. This is Aafreen Shaikh and I'm back with a new video. आज की वीडियो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, ना ही कोई ब्लॉग है. तो ये चिट चैट टाइप का वीडियो है. और ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ रही है, एज यू कैन सी द टाइटल दैट वाई आई एम इन 12th स्टैंडर्ड. सो ये मुझे वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है बिकॉज मैंने जो लास्ट टाइम अभी रिएक्शन दिया 2-in-1 wines की वीडियो पर, जो कि था मिर्ज़ापुर वाला वीडियो, तो उसमें मुझे उस वीडियो से रिलेटेड भी कमेंट आए. और मैंने उस वीडियो के स्टार्ट में ये बोला था कि मैं आफ्टर 2 weeks वीडियो बना रही हूँ रिएक्शन की. सो आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि मैं अपनी स्टडी में बिजी हूँ. और आप लोग ये भी पूछे हो मुझे कम्युनिटी पे कि आप कौन सी क्लास में हो, तो मैंने इसलिए बता भी दिया उस वीडियो में कि आप लोग ने पूछा भी है कि कौन सी क्लास में हो, तो आई एम इन 12th स्टैंडर्ड. तो 3 months बाद मेरा एग्ज़ाम भी है, इसके लिए मैं बिजी चल रही हूँ. वो मैंने क्या बता दिया स्टार्ट में, तरह तरह के कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आए. तो मैंने सोचा कि भाई इतने लोगों को मैं एक साथ रिप्लाई कैसे करूँगी. दैट्स माई आई थॉट कि मैं क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर है 200K+. तो मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसे ही इग्नोर कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैंने Q&A भी रखा था इसके पहले. तो Q&A में भी मैंने बताया था मेरी एज और स्टडी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा गैप हुआ है. तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि मैं फाइनली बोलूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोग करते रहते हो और इतने जल्दी जज कर लेते हो कि मैं क्या बोलूं. कोई कोई लोगों की आदत होती है कि बहुत जल्दी जज कर लेते हो. गाइज, मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले यही बोलूँगी कि इतना जल्दी मत जज किया करो किसी को. हर एक चीज़ के पीछे एक छोटी छोटी कहानी होती है, तो मेरी स्टडी के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है. तो मैं 22 ईयर्स की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता. मैं तो फिर भी 22 हूँ और 12th में हूँ. बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो 29-30 एज के हैं बट उन्होंने 10th भी नहीं किया है, 6 पढ़ के छोड़ दिया है, उन्हें अब करना है, तो फिर हाँ ऐसे नहीं कर सकते. तो यस, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी छोटी सी कहानी कि मेरा जो है 12th अब इस एज में क्यों हो रहा है. मेरा 5 ईयर्स का बहुत लंबा गैप हुआ है स्टडी को लेकर, बिकॉज आई हैड सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम. एट दैट टाइम आई वॉज अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी. दैट्स वाई मैंने अब जाके रिलीज़ किया अपनी स्टडी को एक तरह से. बस ये छोटी सी बात है कि बहुत लंबा गैप हो गया, इस वजह से मैं अब 12th में हूँ. और मैंने अपनी स्टडी को कभी भी अपने दिल दिमाग से जाने नहीं दिया. मैंने सोचा कि नहीं, आज नहीं पढ़ पा रही हूँ तो क्या हुआ, मैं कल को ज़रूर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी. तो अगर आप लोग भी ऐसा मतलब अब नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर बाद में पढ़ना है उन्हें या फिर अब उनका मन नहीं लग रहा, तो देखो ऐसा है कि स्टडी से कभी भागो मत. मेरा स्टडी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट माइंड है और मैं भले से मैं नहीं पढ़ पाई लास्ट 5 ईयर्स में, बट अब तो मैं पढ़ रही हूँ. सोचो आप, मैं इतने लंबे गैप के बाद भी पढ़ रही हूँ. तो आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी है, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में और अभी भी हैं, मैं लेकिन हिम्मत नहीं हारती हूँ. तो आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारना है. मैंने स्टडी को लेकर कभी हिम्मत नहीं हारी. मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं बाप रे 5 ईयर्स हो गया कैसे कंटिन्यू करूँगी. नहीं, मैं क्लास भी जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे से समझ रही है हर चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अकाउंट्स का कैसे हैंडल करूँगी और बाकी SP OCM बहुत सारे कॉमर्स में जो 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी. बट अब नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर पा रही हूँ, अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, मैं चीज़ों को याद रख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ लेसन्स को, चैप्टर्स को. तो बस ये बहुत ज़रूरी कि आप हार ना माने. तो मैंने भी हार नहीं माना है, इसीलिए मैं 12th स्टैंडर्ड में अभी हूँ. और मैं तो 22 की हूँ, ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई. कोई कोई तो अभी 29-30 का है तो उन्हें पढ़ाई करना है और वो ना 10th भी नहीं पढ़े हुए, 9th भी नहीं, 8th भी नहीं, 7th भी नहीं पढ़े हुए. तो देखो ऐसे सबकी छोटी छोटी कहानी होती है, तो आप लोग इतनी जल्दी जज कर लेते हो मुझे बड़ा अजीब लगता है. लेकिन कोई बात नहीं, इतनी तादाद में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो कमेंट तो आएगा ही ऐसे. और उसके अलावा मिर्ज़ापुर जो वीडियो है 2-in-1 wines की, मैंने जो लास्ट टाइम रिएक्ट की है, तो उसमें भी आप लोग ने ये बोला कि आपने मिर्ज़ापुर लगता रियल वेब सीरीज़ की वीडियो देखी नहीं है, इसलिए आपको समझ ही नहीं ये वीडियो, आप कनेक्ट नहीं हो पा रही है इससे. यस, मैंने नहीं देखी है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अगर किसी की वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हो तो अगर वो कोई मूवी का नाम है तो आप मूवी देखे हुए हो. मैं तो बहुत सारी मूवी ऐसी है जो मैं नहीं देखी हुई हूँ. इसी तरह मैंने राउंड टू हेल का भी एक शोले वीडियो पर रिएक्शन दिया था बिफोर 1 ईयर. वो मैंने मेरी कज़िन के साथ जो आसमा है उसके साथ रिएक्ट किया था, तो उस पर आज की तारीख में 1.5 मिलियन व्यूज़ है मेरे रिएक्शन वीडियो पर.
तो बस उसमें भी इतने हेट कमेंट्स आए थे मुझे कि शोले मूवी तो देखी नहीं है और आपको रिएक्शन देना है और आपको समझ भी नहीं रहा है, आप पहले जाके शोले मूवी देख कर आओ। बहुत सारे हेट कमेंट्स आए थे, मैंने बहुत महीनों तक के कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, बट अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस ऐसा नहीं है कि आप इतनी पुरानी मूवी मतलब देखे रहो, और जबकि वेब सीरीज़ की बात है तो हर कोई वेब सीरीज़ नहीं देखता, मूवीज़ नहीं देखता। मैं अपने यूट्यूब के काम में तो बिज़ी रहती हूँ, मैं कम वीडियोस बना रही हूँ आई नो, बट स्टिल मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, तो मुझे इसका भी टेंशन रहता है, पढ़ाई का भी टेंशन रहता है। और उसके अलावा अब ऐसी सब चीज़ों में कौन सॉन्ग सुनते बैठेगा, मूवीज़ देखते बैठेगा, वेब सीरीज़ या सीरियल। मेरा इतना फेवरेट शो नागिन, बिग बॉस, नज़र वगैरह सीरियल भी मैं देखती थी, बट बहुत टाइम से सब बंद हो चुका है। नागिन वगैरह मैं नहीं देख रही हूँ, बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, तो आप लोग सोचो कि ये मिर्ज़ापुर वाला मैं कैसे देखूँगी। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को नहीं पता था तो मैंने बता दिया, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत लंबा गैप हो गया था मेरा 5 ईयर्स का, लेकिन मैंने जो है पढ़ाई को अभी भी कंटिन्यू रखने के लिए एडमिशन ले लिया है, और प्राइवेट है मेरा 12th, मुझे डायरेक्टली फैब में जाना है एग्ज़ाम में, तो बोर्ड एग्ज़ाम है, और मैं 22 एज की हूँ। आप लोगों को मैंने इससे पहले भी Q&A वीडियो में एक बताया था। तो मैटर नहीं करता आप क्या एज में हो, मैटर ये करता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो या अपनी स्टडी कंप्लीट करो, अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करो। तो मुझे ग्रेजुएशन ही करना है, तो मैं बस अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग भी दुआ करो और अपने माइंड को भी पढ़ाई में ऐसा तेज़ रखो, पढ़ाई से पीछे मत हटो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे तो ये सारे शौक भी हैं सोशल मीडिया के, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी हार मत मानो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप लोग हार मत मानो, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी कमेंट आया था एक, कि बीबी की वाइंस ने लास्ट एपिसोड में ऐसा बोला है, अभी जो न्यू वीडियो आई है शायद उसमें बोला, मैंने नहीं देखा है, अगर आपको मेहनत ना करना हो तो रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए बैठ जाना, ऐसी कुछ टाइप का कमेंट था। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आपने बोला तो सच है, क्योंकि रिएक्शन वीडियोस में मेहनत नहीं लगती है, खाली बैठकर रिएक्ट करना रहता है, और जैसा एक्सप्रेशन निकलता है वो आप लोगों को कैमरा में दिख जाता है, तो वही लोगों को इन्जॉयमेंट लगता है, वो लोग इन्जॉय करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरी चीज़ें नहीं आती, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा बस ये पढ़ाई का हो जाना है, तो मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स वगैरह बनाने लग जाऊँगी। यूट्यूब के कंटेंट में अगर फोकस करूँगी तो मेरा पढ़ाई से फोकस बहुत कम हो जाएगा, और अगर पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ तो आप लोग देख ही रहे हो कि यूट्यूब पर मैं फोकस कम कर चुकी हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अदरवाइज़ रिएक्शन वीडियोज़ की बात है तो ये कभी ना कभी बंद हो गए, ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा, मैं आप लोगों को हमेशा बोलते आती हूँ ये चीज़ को। तो बस यही बात है, आज मैं अपने ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ कुछ रीज़न की वजह से। आप लोग दुआ करो कि आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स मैं कुछ अपना अच्छा यूट्यूब पर जो है कर पाऊँ। बस जब तक के लिए आप लोग जो है रिएक्शन वीडियोज़ मेरे इन्जॉय कर लो, मैं कोशिश करूँगी कि अलग अलग वीडियोज़ आते रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, किसी को इतने जल्दी जज मत करो, ओके। सो यस, अगर कोई सजेशन है, अगर आप लोगों के कुछ थॉट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अदरवाइज मैं आप लोगों को मिलूंगी अपनी अप नेक्स्ट वीडियो में। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत गर्म हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ, बाय।